दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि केवाईसी कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको बैंक पे ले जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई में और आप भी अपने बैंक खाते से ज़्यादा दिन से लेन देन नहीं कर रहे हैं तो अकाउंट को बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है और केवाईसी अपडेट कराना पड़ता है, फिर उसके बाद से आप अकाउंट से लेन देन कर पाते हैं। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है कि केवाईसी कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि केवाईसी कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो केवाईसी जब तक अपडेट नहीं कराते हैं तब तक अगर एटीएम भी यूज करते हैं तो इनऑपरेटिव अकाउंट लिख के आ जाता है और उसमें इस कंडीशन में पहले केवाईसी कराना पड़ता है बैंक जाके। तो केवाईसी कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक पे ले जाना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एसबीआई का पासबुक, जो आपके बैंक अकाउंट का पासबुक होता है, वो पासबुक आपको ले लेना है। पासबुक का फोटोकॉपी लगता है यहाँ पे, तो पासबुक सबसे पहले आपको ले लेना है। पासबुक के बाद से आपको अपना आधार कार्ड ले लेना है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको आधार कार्ड ले लेना है। आधार कार्ड ले सकते हैं, और आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने वोटर कार्ड को भी दे सकते हैं। अगर वोटर कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं अगर आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो उसके बाद से आपको पेन कार्ड ले लेना है अपना, जो आपका पेन कार्ड होगा, पेन कार्ड को आपको ले लेना है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो गए, बैंक पासबुक हो गया, आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो वोटर कार्ड दे सकते हैं या डीएल दे सकते हैं। उसके बाद पेन कार्ड ले लेना है, क्योंकि पेन कार्ड अब अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पेन कार्ड के अकाउंट को ओपन तक भी आप नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि बिना पेन कार्ड के आपके अकाउंट को ओपन नहीं किया जाता है। तो केवाईसी के दौरान आपको बैंक वाले पेन कार्ड यहाँ पर मांगेगा आपको, तो पेन कार्ड आपको देना ज़रूरी है। उसके बाद पेन कार्ड ले लेना है, उसके बाद से एक पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो ले लेना है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यहाँ पे दो तीन ले लीजिएगा, जहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हैं, केवाईसी का एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वहाँ पे फ़ोटो चिपकाना पड़ता है, फ़ोटो लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, डीएल हो गया और पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, सर इन सबकी फोटोकॉपी की ज़रूरत है। तो आपको फोटोकॉपी एक एक फोटोकॉपी करा लीजिएगा और बैंक पे अपने चले जाइएगा, वहाँ से केवाईसी फॉर्म मिलेगा, केवाईसी फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, पूरे डिटेल्स वहाँ पे, एड्रेस वगैरह फिलअप करना होता है और नाम वगैरह फिलअप कर देना है, अकाउंट नंबर वगैरह फिलअप करने के बाद यहाँ पे सभी का, जैसे पासबुक का फोटोकॉपी लगा लीजिएगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा लीजिएगा और यहाँ पे पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगा लीजिएगा और पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे अपने केवाईसी फॉर्म पे चिपका दीजिएगा और यहाँ पे बैंक में जमा कर दीजिएगा। जैसे ही जमा करेंगे तुरंत आपका केवाईसी को अपडेट कर दिया जाएगा, और जैसे ही आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा उसके बाद से आप अपने खाते में लेन देन कर सकते हैं और लेन देन करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से आप अपने खाते से पैसे को निकाल सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अपने बैंक पे लेके जाना है केवाईसी कराने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।